मास रेस्टोरेंट पे पाए लाजवाब जायका, अपने मनपसंद खाने का स्वाद, वेज नॉन वेज की स्पेशल वैरायटी, चाइनीज मुगलाई फैमिली रूम भी अवेलेबल। यही नहीं, स्वीट एंड बेकरी में काजू की बनी अलग अलग वैरायटी के गिफ्ट, मिठाइयाँ, दूध और मावा मिठाइयाँ, हलवा, माद स्पेशल, नमकीन, केक और भी बहुत कुछ मिठाइयों का मैन्युफैक्चर पाए मास रेस्टोरेंट स्वीट एंड बेकरी पे आए खाने और स्वीट का स्वाद पाए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में चाट दुकानदारों के दो गुटों में जमकर मारपीट हुई है और ये वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल भी हो रहा है। दरअसल चाट दुकानदारों में कस्टमर को अपने तरफ लुभाने को लेकर ये मारपीट हुई है। इस वीडियो में सबसे ज़्यादा चर्चा में हरेंद्र नाम का ये शख्स है, वो भी अपने हेयर स्टाइल की वजह से, जो सोशल मीडिया में इनकी तुलना साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन से किया जा रहा है। बागपत में चाट दुकानदारों का ये WWE से भी वीडियो जोड़कर सोशल मीडिया में खूब चलाया जा रहा है। मारपीट की इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जिसके हाथ जो लगा उसी से एक दूसरे की पिटाई की गई। किसी को जमीन पर पटक के मारा गया तो किसी से उसी का डंडा छीन कर उसी को मारा गया। कुछ सेकंड की मारपीट की ये वीडियो किसी WWE से कम नहीं है। किसी के पैर में सूजन तो किसी के कमर में सूजन तो किसी के आंखों के नीचे सूजन आ गई है, मगर गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई है। वहीं हरेंद्र का कहना है कि 40 से 50 साल पुरानी उनकी चाट की दुकान है, मगर कुछ लोग 2-4 महीने से चाट की दुकान खोलकर ग्राहकों को बहकाने का काम कर रहे हैं। हरेंद्र के दुकान में रात का सामान बनाया हुआ है, ऐसा दुकानदार ग्राहकों से कहते हैं। इसी बात को लेकर यह विवाद हुआ और जमकर मारपीट हुई। बहरहाल पुलिस ने 8 लोगों को इस मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया है। पहले सुने चाट विक्रेता हरेंद्र ने क्या जानकारी दी है और उसके बाद पुलिस ने भी क्या कहा है, सुनिए। क्या नाम है आपका? हरिंदर। हरिंदर जी, क्या हुआ, पूरी बात बोलो। आपके यहाँ कहीं की दुकान है? भाई चाट की है जी। अच्छा, चाट की, जिनके साथ झगड़ा हुआ उन्होंने कहीं की दुकान है? जिन मरे आप चाट की करी उन्होंने 1-2 महीने से। क्यों झगड़ा हुआ? भाई गांकों के ऊपर हुआ जी। डाकू बुलाते हैं जी? क्या, किस तरह बुलाते हैं? क्या भाई, आज रात को बनाएंगे, हमारे माल भी वापसी करवा दें। अच्छा, गांक भी दर्जा सामान ले, रात का बता रहा हूँ। तो कितनी पुरानी दुकान है आपको? हमारी कम से कम 40-50 साल हो गए। तो फिर झगड़ा हुआ फिर? हाँ जी। नहीं, कुछ वजह रही थी मैं झगड़े का? ना, बस यही है जी, 4-5 बार इन्होंने यही काम करा पहले भी इस तरह? हाँ, ऐसे ही करा जी। बिकती तो इनकी है नहीं, चिल्ला में आगे दुकान पड़े वापसी कर जा, मार पिटाई करें। आज भी आपके साथ? हाँ, आज ये काम करा। रेलवे रोड का तो प्रस्ताव हमने था। चाट की दुकानें थी, इनमें ग्राहकों को बुलाने के चक्कर में ये दोनों आपस में भिड़ गए और इनके बीच मारपीट हुई है और दोनों तरफ से तहरीर दी गई है और तहरीर में दोनों के आधार में 8 लोग दोनों पक्षों से गिरफ्तार किए गए।